हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं कितने, 8:30, और हमारा मनु अभी उठ चुका है। मनु को कल बुखार आ गया था, अब इसका बुखार ठीक है। हमने इसको दवाई पिलाई, गोली खिलाई, सुबह शाम 3 टाइम की इसकी सिरप है। अब ये आराम से, अब इसको थोड़ा बहुत आराम मिल चुका है। इसने पुट्टी भी कर ली है और इनकी मम्मी जी उठ चुकी हैं। सत्यम अभी लेटा हुआ है, सत्यम नहीं उठ रहा है, सत्यम रात भर जगता रहता है। मनु अब तो ठीक हो? मनु हमारा अब सही है, अब कोई दिक्कत नहीं, दवाई पिला देंगे। क्योंकि इसको सर्दी हो गई थी, इसकी मम्मी जी ने मठा पी लिया था, इस वजह से मनु को भी सर्दी हो गई। सत्यम सो के उठ चुका है और सत्यम अब जा रहा है बाहर खेलने के लिए। सत्यम उठ गए हैं, आज काफी लेट उठ रही सत्य हो। तो मन्नू को यहाँ पर गांव में लेटा दिया है क्योंकि सुबह सुबह काफी अच्छी धूप निकलती है, तो बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है विटामिन डी। साथ में यहाँ पर नीतू जी गेहूं को फटक रही हैं, जो भी इसमें थोड़ा बहुत कूड़ा है वो बाहर निकाल देंगे, गेहूं सफा हो जाएंगे। फिर इसके बाद में चक्की से इसको पीसने वाला हूँ, घर की चक्की है अपनी, इससे फिर इसका आटा बनाएंगे क्योंकि आटा खत्म हो चुका है। सत्यम तुम क्या कर रही हो इसमें, गाड़ी चला रहे हो? कहाँ है तुम्हारी गाड़ी? अच्छा, इससे गाड़ी चलती है? अच्छा, लल्ला रो रहा है। तो यहाँ पर मैंने फाइनली अपना आटा पीस दिया है। काफ़ी देर चक्की चलाने के बाद करीब 1.25 घंटा हो गया चक्की चलाते चलाते, और यहाँ पर मैं जो आटा है फाइनली 2 बाल्टी आटा मैंने पीस दिया। अब मैं यहाँ पर फकरा लिस चुका हूँ, यानी कि आटे में गंदा हो चुका हूँ। अब मैं नहाऊंगा गाइस, काफ़ी देर होगी दोस्तों चक्की चलाते चलाते। कोई नहीं, कार में सत्यम ने नोच लो। सत्यम ने कार नोच लिया? अब ठीक है ये मनु कान नोच लिया किसी ने कान नोच लिया? अच्छा, मनु ने कहा, मनु का कान नोच लिया सत्यम ने। सत्यम बहुत उद्यमी है, मतलब मनु का कभी कान नोच लेता है, कभी इसके बाल नोच लेता है। कोई नहीं, मम्मी जी है वो बिलाई कर रही हैं अपने लिए, क्योंकि जो है तो हमारी मौसी की लड़की की शादी है, यानी हमारी मम्मी जी की बहनोतों की शादी। सत्यम मनु को खिला रहा है, मनु रो रहा है, मनु रो रहा है, मनु चुप कर। सत्यम ही मशीन चलाने के लिए देख रहा है, मुझे कम मिला मशीन। तो दोस्तों अब मुझे टाइम मिला है, सुबह से मैं काम किया था काफ़ी ज़्यादा, चक्की भी चलाई थी, आटा भी पीसा। अब मैं दोस्तों दावत खाने जा रहा हूँ, हमारे गांव में एक दावत है लड़की की, और हमारा मन्नू यहाँ पर खेल रहा है। और मन्नू हमारा खेल रहा है, मम्मू की मन्नू, तुझे क्या चाहिए? मोमोस। तो सत्यम हमारा मोमोस मांग रहा है, बोल रहा है पापा जी मोमोस लेके। तो मैं ये मोमोस बहुत खाता है, कितने कितने खाएगा? कितने, 10, 20, 30? 30 खाएगा। और मन्नू तू कितने खाएगा? वो 20 खाएगा। मन्नू कह रहा है मैं नहीं खाऊंगा, अभी वो ही खाएगा बड़ा वाला ही। इसकी मम्मी। दोस्तों यहाँ पर फाइनली हमारा मैच स्टार्ट होने वाला है, और हमारे सामने ये एक छोटा सा लड़का है जो कि हमारा मैच अभी स्टार्ट होगा। हम खेलेंगे 20-20 रुपए का मैच, वो मैच का नाम है चूड़ा डंडा। और यहाँ पर देख सकते हैं हमारी बहुत सारी भीड़ है, काफी ज्यादा भीड़ है भाई, बहुत ही ज्यादा एंजॉय आने वाला है। आप देखते हैं इसका मैच का रिजल्ट क्या आने वाला है। तो आप इस वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहिए, इस ब्लॉग के अंदर आपको दिखाएंगे कौन जीता कौन हारा। ओके, हमारा मैच शुरू हो चुका है। पंकज टीम जीतनी चाहिए हमारी, ओए मेन खिलाड़ी जान कर लिए, मैच जीतना चाहिए हमारा क्लियर। हम फाइनली मैच जीत चुके हैं, हमारा दूसरा कैप्टन हार चुका है। टीम काफी बढ़िया थी। अभी मैं दावत खा के आया हूँ, सत्यम रो रहा है, क्या खाएगा? क्या मोमोज खाएगा सच में? चला ले, निकाल ले, निकाल ले। तो बहुत देर से रो रहा था, पापा जी मोमोज लेके आया, मैं मोमोज लेके आ गया सत्यम के लिए। फिर से मोमोज बहुत ही ज्यादा फेवरेट है। कुछ कितने बचे हैं, मैं खा लूं? और खाओगे? कितने बचे हैं? तो हमारा सत्यम के मोमोज जो है बहुत ही ज्यादा फेवरेट है, सत्यम मोमोज बहुत खाता है। सत्यम को 1 या 2 दिन रोज मोमोज चाहिए। सत्यम डेली आप सभी को
तो गाइज आप सभी को ये वाला ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसा लगा। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए बाय।